नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह लखीमपुर खीरी का, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस चक्रव्यूह में फंसते हुए आशीष मिश्रा जरूर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है, गले की फांस बनकर रह गया है लखीमपुर खीरी प्रदेश सरकार के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम सुनवाई आज दूसरे दिन भी हुई। उत्तर प्रदेश ने आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी। यूपी सरकार के वकील हरीश सालवे ने कोर्ट को बताया कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया, उसने समय मांगा है, कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है, अगर तब तक पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तभी सरकार एक्शन लेगी या प्रशासन एक्शन लेगा, उससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने हरीश सालवे से पूछा कि आरोपी को पेश होने का अनुरोध करने की आखिर क्या जरूरत है, जिसके बाद सालवे ने जवाब दिया कि अभी गोली के सबूत नहीं मिले हैं, तथ्य देखे जा रहे हैं, अगर सबूत साफ हो तो सीधे हत्या का केस बनेगा। अगर बात अजय मिश्रा की कर लें, जिनके बेटे की गाड़ी ये बताई जा रही है, उनका आज साफ तौर पर कहना है, जब वो लखनऊ जा रहे थे, उम्मीद तो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो सकती है, उन्होंने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो पूरी तरह से कार्रवाई में साथ देंगे। और आज उनके बेटे की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है, तो कल वो अपनी पेशी देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। अब ये समझ में नहीं आता कितना समय कैसे लग गया सबूत जुटाने में, या कुछ और प्लान है। तमाम सवाल हैं जो लगातार उजागर हो रहे हैं, लेकिन जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आगे आपको बताती हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। इसके बाद चीफ जस्टिस रमना ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये बेंच का साझा मत है, हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या यही रवैया रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आम जनता का भी सवाल है कि अगर आरोपी कोई आम आदमी होता तब भी यही रवैया क्या कानून का होता। इसके बाद यूपी सरकार के वकील सालवे ने कहा कि गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, बार बार सालवे यही बात सुप्रीम कोर्ट में रखते रहे। सीजीएम रमना ने कहा कि पोस्टमार्टम की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इस पर सालवे ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि जजों के मन में क्या है, मैं मानता हूं कि जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हमारे मन की बात नहीं है, हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। तो आज यूपी सरकार ने अपना स्टेटस सुप्रीम कोर्ट में रखा है लखीमपुर के पूरे मामले को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है, फटकारा है, साफ तौर पर कई सवाल किए हैं और पूछा है कि हम लोगों को आखिर क्या संदेश दे रहे हैं। सालवे कहते हैं कि कल तक सारी कमी दूर कर ली जाएगी। दो नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं आशीष मिश्रा के नाम पर। अगर आशीष मिश्रा के परिजनों की, भाइयों की मैं बात करूं तो लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही पेशी देंगे और पेशी के बाद उनके पास सारे सबूत हैं। और यहाँ पर मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा पूरी तरह से बेकसूर है, हम साक्ष्य सबके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कितना समय आखिर क्यों लग रहा है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आज शुक्रवार है, शनिवार को वो आएंगे, 11 बजे का समय है, और अगर वो नहीं आते तो वारंट जारी किया जाएगा, आगे कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि एसआईटी में कौन है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया और कहा कि सब स्थानीय अधिकारी हैं। यही दिक्कत है कि राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तमाम मामलों में सीबीआई की सिफारिश की जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में आखिर सीबीआई की सिफारिश क्यों नहीं की जा रही, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ता हुआ नजर आया है। इस पर सालवे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि आप दशहरा छुट्टी तक प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद जरूरी लगे तो सीबीआई को जांच सौंप दीजिए। सीजीआई ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सीबीआई भी कोई हल नहीं है, हम जानते नहीं हैं, हमें कोई और तरीका देखना होगा। तो यानी कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 20 तारीख के बाद बताई जा रही है, लेकिन तब तक हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कार्रवाई तेज होनी चाहिए, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाइए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है, मामला छुट्टी की तुरंत बाद सुनवाई के लिए लाया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी, जिस पर सियासत तो बहुत तेज हो ही रही है, साथ ही साथ इस पूरे मामले में
पुलिस द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें नहीं पता कि आशीष मिश्रा कहाँ है, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। आशीष मिश्रा लगातार तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि आशीष मिश्रा कहाँ है। आशीष मिश्रा के भाई अभिजात मिश्रा और उसके अलावा अमित मिश्रा लगातार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि उनका भाई बेकसूर है, वो कहीं भागा नहीं है और वो जरूर अपनी पेशी देगा। लेकिन उम्मीद तो ये भी करी जा रही थी कि वो शायद नेपाल में हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन वहीं मिली थी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पे पक्की पुष्टि नहीं कह सकते, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये कि क्या इसी की फटकार के बाद योगी सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले में एक्शन लेगी, क्योंकि किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही 6 दौर की वार्ता हुई है, 6 राउंड की वार्ता हुई है और हम शांत बैठ गए हैं, लेकिन उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि ज्यादा प्रदर्शन या फिर ज्यादा हो हल्ला नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसे में और ज्यादा हिंसक प्रदर्शन होता। इस वजह से वो मान गए मुआवजे को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर। लेकिन ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इसमें विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति बखूबी कर रहा है। सबसे आगे कांग्रेस है। प्रियंका गांधी भले ही 2022 में कांग्रेस को जीत ना दिला पाए, लेकिन एक मजबूत नेता के रूप में प्रियंका गांधी जरूर इस मामले में उभरती हुई नजर आई हैं। चाहे वो पिछले तमाम मामले देख लो, हाथरस देख लो, इसके अलावा सोनभद्र देख लो, इसमें भी प्रियंका गांधी मजबूती के तौर पर आगे निकलकर सामने आई थी। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, इस पूरे मामले में ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश यादव जा रहे हैं दूसरे नंबर पर, सपा है, बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बसपा से ट्वीट ट्वीट खेल रही है। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे काफी दिनों बाद और परिवार से मुलाकात की, इसके अलावा आप भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि 2022 में आखिर गद्दी किसको मिलेगी। बीजेपी के सामने बहुत बड़ा अब ये खतरा है कि ये जो पूरा मामला हुआ है ये किस ओर इस पूरे चुनाव को लेकर जाएगा, क्योंकि किसान पहले से ही नाराज है, उसके बाद ये घटना, उसके अलावा तमाम अगर फील्ड पर हम जाते हैं देखते हैं कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो योगी सरकार से पूरी तरह से खुश हैं, उन्हें लगता है कि विकास हुआ है, महिलाएं अब देर रात भी घरों से बाहर निकल सकती हैं, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो साफ तौर पर ये कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ठोक दो करके बोला जाता है और इस ठोक दो में जो आरोपी नहीं भी होते वो भी मारे जाते हैं और गोरखपुर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, 20 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस लिस्ट में क्या अब तक हुआ है, स्टेटस क्या है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी कौन है, अब तक क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले पर अब सुनवाई की जाएगी 20 तारीख को। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रविवार को ये घटना हुई, उसके बाद रातों रात ही पूरा मामला देश भर में छा गया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने सबसे पहले इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया, रात में ही निकल पड़ी, सुबह का इंतजार नहीं किया कि सुबह होगी तब वो लखीमपुर खीरी जाएंगी, रात में ही निकल गई, लेकिन सुबह उन्हें सीतापुर में रोक दिया गया। लेकिन इसमें सरकार की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि 20 घंटे में ही पूरे मामले को एकदम शांत कर दिया। तो लगातार इस पूरे मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज भी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम सुनवाई हुई है, किस तरह से फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता है, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता है और पवन खटाना कांग्रेस नेता है, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिपाल सिंह जो है पूर्व IPS वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है और सबसे पहला सवाल मैं अश्विनी शाही जी से करना चाहूंगी। अश्विनी जी, आखिर क्यों जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया है तब जाकर सरकार की नींद टूटी है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को तो आशीष मिश्रा मिल ही नहीं रहे हैं। किसने कहा कि मामला सुप्रीम जी आ रही है किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है तो सरकार कार्यवाही कर रही है, उसके पहले कार्यवाही नहीं हो रही थी? सुप्रीम कोर्ट तो सीधे फटकार लगा रही है, संतुष्ट नहीं है आपकी कार्रवाई से।
देखिए सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको सरकार से ये सब कहने का एक हक है, उनके पास पावर है। लेकिन हम किसी के सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है कि जब आप जो है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं उसके बाद उसकी विवेचना करके ही उसको गिरफ्तार किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो अब किसको हम आप सही मानेंगी, उसको मानेंगी या इसको मानेंगी? तो ये एक डायरेक्शन होता है कि आप लोग सही दिशा में काम करें, हम एक सुप्रीम अथॉरिटी है, हम विरोधियों के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं, ना मीडिया के कहने पर काम करेंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी वहां काम नहीं कर रही है। आपको एक मीडिया जब आईना दिखाती है, मीडिया जब आईना दिखाती है तो आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है, फिर आप मीडिया को ही गलियाना शुरू कर देते हैं। देखिए मीडिया आईना दिखाए तो अच्छी बात है, लेकिन मीडिया मीडिया पहले मेरे बात का जवाब दीजिए। मीडिया पूरा एक घंटा है, मीडिया फुटेज बिचोरे, पूरा एक घंटा है अपना टीआरपी बिचोरे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अश्विनी जी पूरा एक घंटा है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हम आपसे सवाल नहीं कर सकते? सत्ता में आप है तो आपसे सवाल क्यों नहीं होगा, बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एकदम सवाल, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल करिए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया के कहने पर नहीं चलेंगे? तो मीडिया चलेंगे, सवाल का जवाब आप देंगी या आपके कहने पर चलेंगे, हम ये बताइए पहले। आप ये बताइए मीडिया ने आपसे कब कहा कि आप ये कार्रवाई कीजिए? मीडिया ठीक रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी तो ही कह रही हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ तो नहीं, अरे भाई आंखें खोलिए, क्या होता तो गिरफ्तारी नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट इतनी ज्यादा तल्ख टिप्पणी कर रहा है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो हजारों मामले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में के हैं जो कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो कहां आती हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको पूरा हक है सरकार को डायरेक्शन देने का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं कि 8 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, ब्रूटल, ये सब यूज किया है ना, बिल्कुल सही। लेकिन किस विरोधी दल ने 8 लोगों की बात की? पंजाब से आते हैं कांग्रेस के चंद, अरे सुन लीजिए, हाँ अश्विन सुन रही हूँ, आप अपनी और आपकी नहीं, नहीं नहीं आप सुन लीजिए पहले, हाँ, पूरा हमारे हाँ, आपको जब सवाल है वो सवाल का जवाब बीच में बोलेंगे तो फिर वो रिदम टूटेगा। पंजाब से आते हैं चन्नी जी, उन्होंने पैसे दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन कितने लोगों को दिए, किसको किसको दिए? दिन भर ये लोग ब्राह्मण का दंभ भरते हैं, 2 ब्राह्मण वहां उसकी जो कार्यकर्ता चुकी वो भारतीय जनता पार्टी के थे, ये लोग उनके घर तक जाना नहीं समझे, इन लोगों ने सिर्फ 4 उन लोगों के यहाँ ये लोग गए, उनको कर रहे हैं जो लोग गाड़ियों से कुचल कर जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, जो जिन लोगों की लिंचिंग से जिन आतंकियों ने जिन आक्रांताओं ने लाठियों से पीट कर मारा है, उनके न घर गए न 2 शब्द बोला, वो कौन थे, वो क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, वो कहां से पाकिस्तान से आए हैं या जानवर थे वो लोग, इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरा आया कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है डीजीपी साहब सारे सबूतों को इकट्ठा करके रखिए, 20 तारीख को सुनवाई होगी। इसमें कौन सी नई बात कह दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सारे सबूत, रोज एक कांग्रेस की महासचिव है, एक कोई आम जनता है, ये सब एक नया वीडियो लेके आ जाते हैं, अब वो वीडियो एडिटेड है या वीडियो वाकई जो है सही है, इसका तो फोरेंसिक जांच होगी तभी तो पता चलेगा, वो जांच हो रही है और सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है बहुत मुस्तैदी से, जो न्याय संगत प्रक्रिया है उसमें आज नहीं कल सबके साथ एक बराबर और समान व्यवहार किया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी जिसकी बनती है उसको छोड़ा नहीं। इतना समय क्यों लग रहा है ये बताइए, कि गिरफ्तारी के लिए 2 नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, अगर कल पेशी के लिए उन्हें बुलाया गया है, खराब स्वास्थ्य का वो हवाला दे रहे हैं, उनके पिताजी कहते हैं, उनके पिताजी लखनऊ पहुंचते हैं, उनके पिताजी लखनऊ पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम साक्ष्यों के साथ आएंगे, वो साक्ष्य क्या इतने दिनों में उनके पास साक्ष्य नहीं थे, आखिर कहां से वो साक्ष्य जुटाए हैं जो इतना समय लग गया, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और आज शुक्रवार हो गया और कल शनिवार होगा।
इतने इतने लोग चले जा रहे हैं लखीमपुर, देश के गृह राज्य मंत्री को लखनऊ आने का भी अधिकार नहीं है? आप कह रहे हैं लखनऊ आ गए जा सकते तो लखनऊ ना आए वो? बिल्कुल जाइए, रोक लगी है क्या? जाइए, तो जाने पे तो कोई रोक ही नहीं है। कौन से साक्ष्य की बात कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ, या फिर जो विपक्ष जो वीडियो दिखा रहा है बहुत पहले की उसकी बात कर रहे हैं? साक्ष्य जिसको देना होगा वो दिया जाएगा, साक्ष्य ना तो मीडिया को दिया जाएगा और ना विरोधी लोगों के कहने पर दिया जाएगा। चाहिए ही नहीं ना, आपके कार्ड की जरूरत नहीं है हमें। तो आप क्यों पूछ रही हैं? पूछूंगी मैं तो, मेरा हक है पूछना। नहीं तो साक्ष्य दे, आपने कहा कि कौन से साक्ष्य है? मेरा राइट है पूछना। क्यों कहे आप? नहीं, इस पूरे मामले में मैं देख रही हूँ, कभी बीजेपी प्रवक्ता डिबेट से उठ के चले जाते हैं, कभी बीजेपी नेता उठ के चले जाते हैं। मैं यहाँ हूँ और जब भी आपने बुलाया है तो मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। आप ही के प्रवक्ता, आप ही के नेता उठ के जाते हैं। अभी परसों की बात है, कौन जाता है बताइए तो? परसों की बात है, आपने अभी अब जाने पर आप आ गई, आपने कहा साक्ष्य उनके पास कौन से साक्ष्य हैं? सवाल उठते हैं तो आप लोग चले जाते हैं। किसने उठाया सवाल? आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। साक्ष्य आपको क्यों दिया जाए? साक्ष्य दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, हमें कार्ड चाहिए ही नहीं, हमें कार्ड चाहिए ही नहीं। लेकिन ये बौखलाहट सही नहीं है, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, क्यों इतनी बौखलाहट हो रही है? आपने पूछा उनके पास कौन से साक्ष्य हैं? आपने पूछा? हाँ, मैं पूछूंगी। लखनऊ आते हैं उनके पास कौन से साक्ष्य हैं? क्यों नहीं दिखाए, क्यों छिपे छिपे फिर रहे हैं आशीष मिश्रा? जवाब है कि आपको नहीं देंगे, किस बात का डर है? आपको नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी, मुझे चाहिए भी नहीं आपके पास वापस लौटूंगी। और आप बने रहिएगा डिबेट में, 20 डिबेट में उठ के मत जाइएगा। अरे कौन आज तक नहीं, देखिए एक बात बता दें आपको जी, ये हम लोग रणछोड़ नहीं है, डिबेट से छोड़कर भाग जाएंगे। सवाल अभी दो दिन पहले उठ के गए हैं आप ही के नेता। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी अश्विनी जी, आपके पास वापस लौटूंगी। पवन कचाना किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है योगी सरकार को, तमाम सवाल किए हैं, जवाब मांगे हैं, किसान आगे क्या कर रहे हैं? देश के जो सरकार चला रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठे हैं, उनके बयान सुन लिए होंगे आपने। जिस देश के गृह राज्य मंत्री पर 13 मर्डर जैसे केस सहित जमानत पर हाईकोर्ट की जमानत पर जो रह रहा हो, वो देश का गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। पहले सुन लीजिए जो देश का गृह राज्य मंत्री, सबको अपनी बात रखनी है, ऐसे नहीं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ पवन जी, आप बोलिए अश्विनी जी। अश्विनी जी जवाब आप दीजिएगा सुन लीजिए। मेरा नाम आया, आप दीजिएगा जवाब, पहले सुन लीजिए। गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं आप इलाज कराइए। एकदम नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बोला। अश्विनी से बात करिए, पर्सनल होंगे। पवन जी, अपना विजन रखिए, आगे आप क्या करने वाले हैं इस पूरे मामले पर? आरोप प्रत्यारोप तो बाद में भी कर लीजिएगा। आतंकी है आप लोग, किसान के नाम पर, किसान के नाम पर आतंकी आरोपी। आप नहीं किसी को सर्टिफिकेट दे सकते, आप में से कोई भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा कि वो आतंकी है या आरोपी है या अपराधी है। यह महाबदतमीज आदमी है। पवन जी देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे डिबेट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। पवन जी सुन लीजिए पहले। पवन जी हमारी सुन, किसान के नाम पर गुंडे हैं ये लोग। चुप रहो पवन जी, आप सुन लीजिए, बदतमीजी मत करिए, बदसलूकी मत करिए। अश्विनी जी आप शांत होइए। आपने हमारा नाम लिया था, जवाब दे रहा हूँ, किसको क्या दर्द हो रहा है? पवन जी, आप अपनी भाषा को मर्यादित करिए, आप अपने शब्दों को मर्यादित करिए। पहले किसान नेता है आप, किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है ये गुंडई नहीं चलने दी जाएगी, योगी की सरकार है। अरे तो गुंडई अपराध आतंकी बाद में कर लीजिएगा। आपका विजन क्या है? आप अपना विजन रखिए ना, बात पर सरकार को घेर लीजिएगा। पंडितों को मरवा दे, तेरी योगी जी की सरकार मरवाना पहले तो ता...
नहीं पवन जी ये तरीका नहीं है, ये तरीका बात करने का नहीं। आप डिबेट में बैठे हैं, ये तरीका नहीं है बात करने का। बीच में ना बोला मेरे में। हाँ बीच में नहीं बोलेंगे, आप पहले अपना तरीका सुधारिए। मेरा नाम आया तो मैंने बोला, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के। अश्विनी जी आपको मैं समय दूंगी, मैं कभी बीच में आपको पूरा समय मिलेगा। आप सुन लीजिए, और पवन जी आप अपने शब्दों को मर्यादित करिए पहले। मैं बीच में नहीं चाहिए। चलिए बोलिए पवन जी, शब्दों को मर्यादित करके, शब्दों को परख के तब बोलिएगा। ऐसा है ऐसे आदमी को जो गुंडा हो हमारे सामने मत बैठाया करो। आप सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं उन्हें, वो गुंडे हैं। और कैसे दे रहे हैं सर्टिफिकेट, क्या बोला बीच में? आपने नाम लिया तो बोलेंगे नहीं क्या? फिर आप बोलेंगे कि आप बीजेपी का पक्ष कर रही हैं? ये राकेश टिकैत के पार्टी के गुंडे हैं ये लोग, और इन्हीं लोगों ने लिंचिंग करके वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को। ऐसे ना, ऐसे डिबेट नहीं होती, यही गुंडे हैं। आरोप प्रत्यारोप करके, गुंडा बोल के, अपराधी बोल के डिबेट नहीं होती है। डिबेट को एक लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, एक मतलब निकलना होता है डिबेट का जो दर्शकों तक जाता है। पवन जी अपना विजन रखिए, हमें कोई पक्ष नहीं रखना, इससे रखवा लो पक्ष। आप अपना रखिए ना, गलत है अपना रखिए, आप मेरे सामने अपना रखिए, आप दर्शकों के सामने, उन किसानों के सामने जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं किसान, उनके सामने तो रखिए ना, अपने किसान भाइयों के लिए। काजोल जी ये 26 जनवरी के बाद से ये लोग एक्सपोज हुए हैं, ये इन लोगों ने गणतंत्र की हत्या की। आप दोनों लड़ते रहिए, आप दोनों लड़ते रहिए। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, आपके पास आते से पहले ही इनका आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दोनों में से कोई शांत होने के लिए तैयार नहीं है। अंशु जी आप बताइए, कांग्रेस टॉप पर है राजनीति करने में, प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी हैं, भले ही 2022 में जीत दिला पाए या नहीं दिला पाए। देखिए काजोल जी, निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चाहे जो मुद्दा रहा हो उस पर उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर सबसे पहले लोगों के साथ खड़ी हुई है। हाथरस की घटना थी उस समय भी सरकार का यही रुख था जो लखीमपुर में था। पत्रकारों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, रोका जा रहा था, विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी वहां पहुंचे, पीड़ितों के साथ खड़े हुए। बार बार उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं क्यों होती हैं इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2017 में वादे किए थे कि हम उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश में रामराज लाएंगे, अपराध कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हालत ये हो गई 4.5 साल में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ठोको नीति चलाई, 6-6 साल के बच्चों का इनकाउंटर हुआ, किसान लगातार काले कानूनों के खिलाफ आंदोलित थे। लखीमपुर की घटना में भी किसान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये आप याद करें 2 अक्टूबर को जब देश के राष्ट्रपिता बापू का जन्मदिन था उस समय मंत्री जी के क्या बोल थे भारतीय जनता पार्टी। अंशु जी यहाँ पर अश्विनी शाही जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत सही बात कही है। देखिए मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही हूँ ना उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने एक चीज सही कही है कि कांग्रेस उन किसानों के घर तो पहुंची जिनकी मृत्यु हुई थी लखीमपुर मामले में, लेकिन उन पत्रकार के घर और ना ही उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंची। मतलब आपके लिए इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपको राजनीति करनी है, आप इसका जवाब दीजिए पहले। काजोल मैंने उनके अश्विनी जी के बातें सारी सुनी, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। तो लखीमपुर में जो घटना हुई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी देश के इतने जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री के क्या बोल थे सभी ने देखे थे कि मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा और मुझे लोग जानते हैं मैं मंत्री बनने से पहले क्या था। तो अगर पवन खटाना जी ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर 13-13 मर्डर के मुकदमे हैं, तो इस बात को तो मंत्री ने 2 अक्टूबर को खुद ही कह दिया कि वो सांसद विधायक मंत्री बनने से पहले क्या थे। आज भी हाई कोर्ट में एक जो राजीव गुप्ता है उनके भाई के मर्डर की पिटीशन पेंडिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ाती है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के हैं और जो बलात्कार में संलिप्त होते हैं, बीजेपी उनका हमेशा मदद करती है। लखीमपुर की घटना में भी यही हुआ, वीडियो सामने। अश्विनी जी कह रहे थे कि हम आपको साक्ष्य क्यों दें, साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य उत्तर प्रदेश में एक एक आदमी के पास पहुंच गए, दिख रहा है किसान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरीके से पीछे से गाड़ियों ने रौंदने का काम किया, कुचलने का, 3-3 गाड़ियां किसानों पर चढ़ गईं। उनकी भी मृत्यु दुखद है जिनका इस्तेमाल
उस गृह राज्य मंत्री ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और आपने पूरी राजनीति कर ली 2022 का। अच्छा खासा मुद्दा आप लोगों को मिल गया। देखिए मैं यही कहूँ, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर दे। बिल्कुल। और उनकी भी मौत दुखद है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनके घर भी जाना चाहती थी, उन्होंने जो उनके आईजी सिक्योरिटी थे उनसे पूछा, उनके परिवार के लोगों ने मिलने से मना कर दिया, तो ऐसे में जाने का कोई औचित्य नहीं बचता। दूसरा मुआवजे को लेकर जो बात कही, अब मैं तो अश्विनी जी से ये बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको भी मुआवजा दिया, जितना भी मुआवजा दिया, वो हमने अपने पास से दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की, लोगों को सहयोग करने की जिम्मेदारी किसकी है? गोरखपुर में जिम्मेदारी सरकार की हत्या की है, लेकिन विपक्ष होने के नाते विपक्ष की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। करने से अच्छा एंकर नहीं बनता। मुझे मेरी बात आ जाने दीजिए। आप दोबारा से बोलिए, आपने क्या बोला अभी? गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उससे पहले आपने क्या बोला? हत्यारा पुलिस कर्मी। देखिए मेरी बात सुनिए अंशु जी मेरी बात सुनिए। आप अपने काम में स्पेशलिस्ट होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे, लेकिन मैं अपने काम में हूं, तो आप मुझे मत बताइए कि मुझे कब टोकना है, कब नहीं टोकना है। आपने 20 सेकंड मांगे, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने। आपने 20 सेकंड मांगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए। गोरखपुर में जो बोलिए, मैं अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नौजवानों का दुरुपयोग किया, हमारी लड़ाई तो यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उस बात को कह रही है कि देश के नौजवानों को गुमराह करके बांटने की नीति चलाकर बीजेपी उनका दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या जो लोग भी मारे गए, उनका क्या दोष था? वो तो अजय मिश्रा मंत्री के कहने पर वो वहां पर गए और उनकी वजह से उनकी जान चली गई। क्या गृह राज्य मंत्री उनके परिवारों को उनको वापस दिला पाएगा? तो सवाल यह है कि ऐसे लोग जो इस तरीके की साजिश रखते हैं, जिससे किसानों की भी मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई, ऐसे गृह राज्य मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मंत्री का बेटा स्वयं उस घटना में संलिप्त है, मंत्री का अब गाड़ी उस घटना में संलिप्त है, तो आखिर भाजपा उस मंत्री को क्यों बचा रही? जो हत्यारा है, जो किसानों का हत्यारा है, जो मर्डरिस्ट है, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कैबिनेट गृह राज्य मंत्री तड़ी पार, गृह राज्य मंत्री 13-13 मर्डर का संगीन आरोपी और वर्तमान में किसानों का हत्यारा, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा देश बनाना चाहती है, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। ठीक है अंशु जी, आप सवाल कर लूं अश्विनी जी से? ठीक है, आपकी परमिशन मिल गई तो अब मैं सवाल करूंगी अश्विनी जी से। अश्विनी जी, लगातार कांग्रेस हो चाहे यहाँ पर पवन खटाना जी हो, लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर गृह राज्य मंत्री हैं उन पर 13 मर्डर के केसेस हैं। इस मामले को मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ, इन शब्दों को, कि 13 मर्डर केस है। उनका एक वीडियो आया था जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं सांसद बनने से पहले क्या था, मैं एक एक को देख लूंगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? अब इसे भी फेक है या सच्चाई है कुछ? देखिए काजोल जी, वो वीडियो सबके सामने आया था, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था इसको भी ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है। वो जो उनके यहाँ दंगल हो रहा था, उस दंगल में जो है उनके कुछ होल्डिंग बैनर पोस्टर लगे थे। दंगल में नहीं होता, झूठ बोलने के लिए मत बैठिए यहाँ पर। दंगल में नहीं हुआ था वो, किसान गोष्ठी थी, किसान गोष्ठी में बोला गया था। उन्होंने कहा था मुझसे मत टकराना, मुझे समझ लो मैं क्या। कांग्रेस का जवाब मैं दे देता हूँ। मैं एमपी बनने से पहले करता था, यहाँ से मैं चंदन की लकड़ी नेपाल में बेचता था, मैं पेट्रोल और डीजल का बड़ा व्यापारी था। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं सिपाल सिंह जी। सिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। कांग्रेस ने 2-3 सवाल किए पॉइंटेड, मैं पॉइंटेड जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि परिवार से मिलने प्रियंका जी गई और उनको परिवार ने मना कर दिया। तो अगर आपकी संवेदना कोई लेना ही नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती जा क्यों रहे हैं? थोड़ी सी भी तो शर्म होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, इन्होंने कहा कि मंत्री इस्तीफा दे दे, उनके ऊपर 13 मुकदमे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी अभी अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी वो जमानत पर हैं, सोनिया जी जमानत पर हैं, आनंद शर्मा जी के ऊपर सिख दंगों के जो है मुकदमे चल रहे थे, वो भी इनके यहां मंत्री परिषद में थे। तो क्या इन लोगों ने 84 में दंगे हुए, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, सिखों को काटा गया, क्या नैतिकता पर इन्होंने इस्तीफा दिया?
आज इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप ये मानते हैं कि वो अपराधी हैं? कांग्रेस ने मारे सरदार, आपके सेंटेंस से ये समझ में आता है कि वो अपराधी हैं? इन्होंने काट दिया, हमने भी काट दिया, पगड़ी उछाल दी इन्होंने, उछाल दी हमने भी उछाल दी। दो लाइन की, दो लाइन का और जवाब है, दो लाइन का और जवाब है काजोल जी। आज 36,000 और पंजाब को मिलाकर लगभग 1,500 देश का गृह राज्य मंत्री ऐसे नहीं समझ में आता कुछ। आतंकी अगर नहीं कहा जाएगा बीजेपी, क्या हमारे किसान क्या ये शोभा देता है? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आप लोगों के पास। 3 महीने में 400 मंत्री 1,500 किसानों ने आत्महत्या की। अश्विनी जी आप एक मिनट बस, हमारे साथ सिपाल जी बने हुए हैं, उनसे भी सवाल मैं लूंगी। शिपाल जी, इस पूरे जो घटनाक्रम है, नहीं काजोल जी आप बताइए, भाजपा के नेता किसानों को इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। आप उन किसानों को जो शिपाल जी बहुत देर बाद जुड़े हैं, आप उसे आतंकी कहते हैं, ये कितना निंदनीय है। मैं तो अनुरोध करूंगा, मैं जवाब दूंगा आपका अभी, अंकुश भाई अभी जवाब दूंगा मैं आपका। अंकुश जी एक सेकंड, शिपाल जी कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए, पूर्व आईपीएस है, बोलिए शिपाल जी। जो जवाब दे रहा हूँ, जो मेरा इसके मुतालिक मेरा क्या ख्याल है, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डिस्पैशनेस किसी के साइड ना लेते हुए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं हादसे की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ, ये तू मैम की तरफ तवज्जो नहीं था। आपने नहीं करा इसे और 4 मार दो, उन्होंने उस वक्त दंगे मारे थे तो आप 10 और मार दो, मैं उसने दंगे में 84 मारा था आप 10 और मार दो, ये बात नहीं है। आप जो है उस तक रहिए महदूद, जो आज का इंसिडेंट हुआ 4 दिन पहले, मैं उस इंसिडेंट को मद्देनजर रख के समझता हूँ कि जब FIR में एक नाम दर्ज कर दिया और उस नाम के बाद फॉलो अप पुलिस क्यों नहीं कर पाई। अब सवाल है अरेस्ट, मैं नहीं समझता, चाहे अपोजिशन पार्टी का अरेस्ट करो, अरेस्ट कोई जरूरी नहीं होता। अरेस्ट इज समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस। हाँ ये जरूर है, आम तौर पर 302 के केसों में अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अगर पूरी धारा को देखे जाए अरेस्ट का, उसकी मर्जी है पुलिस समझती है या नहीं। अगर उन्हें ये खतरा है कि वो दौड़ जाएगा, अगर उन्हें ये खतरा है कि वो किसी तरह टेम्पर कर जाएगा एविडेंस में, तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ धारा की बात कर रहा हूँ, धारा में वो अरेस्ट करें या ना ये पुलिस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जरूर है, जो शर्म की बात है कि इतने दिन से उनको पुलिस चलो अरेस्ट नहीं किया, अरे उनको बुलाया भी नहीं है। अब पाजी आपको, आपको जानकारी मुझे दूं कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है, जो बड़े अधिकारी, वो ये कहते कि हम तलाश कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि काजोल आशीष मिश्रा जी। मैं अपनी बात रख लूं, आपने पहले तो वो चला 4 दिन तो हमने उसको बुलाया नहीं, 3 दिन तो आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट, 3 दिन तो रोज वो आता रहा टीवी के अंदर, वीडियो के अंदर, 3 दिन तो पुलिस को बुलाया नहीं, जब नोटिस भेजा तो वो दौड़ गया। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आप क्यों उनको रिपोर्ट दीजिए कल तक, और मैं आपको अपने जायजे के मुताबिक बताता हूँ कि हर हालत में 1-8 दिन में उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक अरेस्ट करेंगे बहुत सी एविडेंस जो है वो तहस नहस हो जाएगी। आप देखिए जो व्हीकल के ट्रेडमार्क होते हैं, जो वी काजोल बात कंप्लीट कर दीजिए सिंह जी को, काजोल जी संजीदा तौर पर अगर संजीदगी से पूछे तो केस काफी वीक हो गया है एविडेंस के पॉइंट के, बिल्कुल गिरफ्तारी आज हो जाए या कल हो जाए होगी। ठीक है, मैं आपको, ठीक है सिंह जी आपके पास वापस लौटूंगी, बहुत देर से अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंशु जी बोलिए। काजोल जी देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार वीडियो सारे आ गए थे, साचे सामने थे, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार ने उसको बचाने के लिए, ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, कितना सही है ये तो बीजेपी के लोग बता पाएंगे, कि वो देश छोड़ चुका और नेपाल भाग चुका है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाजपा के नेता अलोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन है उसे कुचलने की कोशिश की, किसानों की हत्या की, और उसके बाद ये जो आरोप इन पर हैं उसका ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरीके से संविधान के विरोधी हैं, ये जो भारत की कानून व्यवस्था है उसका सामना करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? भागता वही है जो कमजोर होता है, जो कहीं ना कहीं
अपराधी होता है जिसके ऊपर आरोप वो पुष्टि कर रहा है भागने से, जो मजबूत होता है जिस पर गलत आरोप होते हैं वो भागता नहीं, वो खड़ा रहता है। नहीं, फिर तो जब उनके आप जो मुकदमों की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए आशीष मिश्रा यदि निर्दोष हैं तो जो भारत की कानून व्यवस्था है, जो भारतीय दंड संहिता है उसके तहत वो उसका सामना करें, यदि वो निर्दोष होंगे तो हटेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने किसानों की हत्या की है इसलिए वो छोड़कर भाग रहे हैं देश, देश छोड़ के भले चले जाएं चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये समझ में आ गया कि बीजेपी के लोग संविधान का विरोध करते हैं, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है उन्हें, उन्हें देश की कानून पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो वो देश छोड़ के नहीं जाते, वो पुलिस को कोऑपरेट करते, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और ये भी निकल कर आता है कि ये संघी और भाजपाई बहुत कायर और डरपोक लोग होते हैं, ये पीछे से गाड़ी चढ़ाएंगे लेकिन जब पुलिस बुलाएगी तो भाग जाते हैं। अंशु जी, लेकिन आज क्लियर हो गया है और जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कल वो पेशी देंगे अपनी। और काजोल जी, सिर्फ गृह राज्य मंत्री नहीं है, गृह राज्य मंत्री की जीप किसानों की हत्या में इस्तेमाल हुई, वो हत्यारे गृह राज्य मंत्री है, ये उनका पूरा नया नाम। वो तो फैसला कोर्ट करेगी, वो तो हम फैसला नहीं करेंगे, वो तो कोर्ट फैसला करेगी। अगर उनकी जीप इस्तेमाल हुई है तो निश्चित तौर से वो जीप तो इस्तेमाल हुई है तो तय बात है। ठीक है, वीडियो उनकी में जो थार जीप थी वो इस्तेमाल हुई, सबसे आगे वही जा रही थी किसानों को रौंदते हुए, तो हत्यारे गृह राज्य मंत्री उनको कहा जा सकता है। प्रदेश की जनता के सामने है ना, क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन सी थार थी, कौन सी फॉर्च्यूनर थी, देश की जनता ने देख लिया, सब पता है। देश की जनता ने देखा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जीप जिसको लेकर उनका बेटा आशीष मिश्रा जा रहा था, उसने किसानों शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों, कांग्रेस के अध्यक्ष ने चढ़ाकर आगे चौकीदार को चोर बोला, उसके बाद माफी मांग लिया। तो ये लोग कुछ भी कहेंगे माफी मांग लेंगे, कान पकड़ कर माफी मांग लेंगे कांग्रेसी, माफी मांगने का ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी सदन में माफी मांगे थे, मांग चुके। अरे राहुल गांधी सदन में मांगे थे भाई, अंशु जी राहुल गांधी सदन में मांगे थे, राहुल गांधी सदन में मांगे थे, मांगी थी माफी सदन में। तो यानी सदन में राहुल गांधी ने सदन का वो क्लिप निकाल कर भेज दीजिएगा अंशु जी के पास, मांगी थी माफी, ये सच है। मांग लेंगे लेकिन देश माफ करने वाला नहीं। तो देखिए, आपने दो तीन बातें अंशु जी कहा है, मैं बता देना चाहता हूँ। क्यों करें इसका जवाब दे दो। मैं बता रहा हूँ, जवाब उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ भाई। आप थोड़ा सुन अंशु जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, क्योंकि पवन जी से मेरी बात बार बार नहीं हो पा रही है, उनसे भी मैं बात करना चाहती हूँ। जब तक ये अश्विनी जी से और कांग्रेस वालों से कर लो, इन्होंने 70 साल में बहुत कुछ दे दिया और इन्होंने 7 साल में बहुत कुछ दे दिया, भाई इनसे ही कर लो आप बात। मैं तो आपसे भी बात कर रही हूँ, आप अपने शब्द मर्यादित ही नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, आतंकी कर रही बीजेपी। रुक जाओ भाई अंशु जी, आप रुक जाइए, आपसे पवन खटाना जी बोलेंगे, पवन खटाना जी बोलेंगे। आगे क्या किसान कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। राकेश टिकैत आखिर क्यों माने 6 राउंड की वार्ता में, वो भी मैं उनसे पूछूंगी। बताइए अब आखिर क्यों माने राकेश टिकैत। देखो ऐसा है काजोल जी, हम कभी भी डेड बॉडी पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर आपको ये लग रही है कि जो किसान शहीद हुए हैं हम उनको रख करके ही राजनीति करते, हम रख करके ही आंदोलन करते, तो ये नहीं होता है। हमने कहा है कि हमने पूरी तरीका से सरकार को, प्रशासन को समय दिया है। अगर आने वाली 12 तारीख तक ये इस सरकार के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं, उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो आंदोलन होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आंदोलन से अलावा, हम पर एक आंदोलन ही एक रास्ता है, और शांति प्रिय तरीका से करेंगे। इनकी जितनी गाड़ियां हैं ये हमारे ऊपर चढ़ाएं, और जितने इनको शहीद करने उन किसानों को शहीद करें, जितनों को कुचलना है और कुचलें, लेकिन हम शांति प्रिय तरीका से लड़ते रहेंगे और इस किसान आंदोलन को सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये कहते हैं कि पूरी जांच हो जाएगी जब गिरफ्तारी होगी, तो 3 महीने का समय होता है महोदय जी, 3 महीने का समय होता है पूरी जांच का, 90 दिन का। आईपीएस साहब बैठे हैं हमारे सामने, तो 90 दिन बाद में आप 302 के मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करोगे? गिरफ्तार करना उसको इसलिए होता है कि वो सबूतों को ना मिटाए, वो किसी पर प्रेशर ना बनाए, गवाहों को अनर्गल प्रेशर ना बनाए, और वो हमारी गिरफ्त में रहे। जैसे कि आज वो नेपाल भाग गया, कल को गृह का राज्य मंत्री भी नेपाल भागेगा,
क्योंकि उसके कार्य नेपाल से ही चले हैं आज तक। उसने जो भी काम किए हैं वो नेपाल में ही तो कर करके इतना बड़ा पूरा पैसे वाला बनाया वहां पर। उसने चंदन की लकड़ियां बेची हैं, उसने डीजल का अवैध काम किया है, उसने पेट्रोल का अवैध कार्य किया है, उस पर मर्डर जैसे पवन जी, यहाँ तो प्रशासन की कमी है ना, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसी वजह से तो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सिंह जी आप बताइए कि जो पवन कटाना जी यहाँ पर बातें रख रहे हैं, इतने सारे अवैध काम उन्होंने किए हैं, आशीष मिश्रा की मैं बात कर रही हूँ और उसके अलावा अजय मिश्रा जी की भी मैं बात कर रही हूँ, आप बताइए कि क्या सिस्टम में कोई कमी है कि आप त्वरित एक्शन नहीं ले पाते हैं, हमें इतना समय लग जाता है। मैं आपकी 20 सेकंड और लेना चाहता हूँ। ठीक है काजल जी, मैं 20 सेकंड और लेकर के मैं बताता हूँ कि इस देश का कानून हमेशा कमजोर, मलजूमों, दलितों, पिछड़ों, जो अपनी आवाज नहीं कह सकते, जो अपनी बात नहीं रख सकते, उनके लिए है टाइट करना। जो 302 का मर्डर का आदमी है, उसका अगर ये कोई केस अलग होता तो अब तक उसके परिवार के 20 से 30 आदमी आईपीएस साहब हमारे सामने बैठे, इनसे पूछ लो पूर्व रिटायर, उससे संबंधित 20 से 30 आदमी अभी तक थाने में बंद होते ही। जिनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा कहीं जाए, गृह राज्य मंत्री को बैठा हो ना ला करके थाने में, 2 मिनट में आ जाएगा बेटा। इन पर तो इलाज सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार ऐसे गुंडों को गृह राज्य मंत्री बनाएगी तो वो प्रेशर में काम करेंगे। इसमें हकीकत है, उनका जो जो भी कार्यक्रम चल रहा था वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहां से 3 गाड़ी आकर के जाते हुए किसानों पर पीछे से कुचल देती हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो कुचलने को आए, जो हमको मारने के लिए आए, उनको पहले हमें माला डालनी चाहिए थी। आप आए, आपने हमको मार दिया, आपने हमको कुचल दिया। कल से आतंकवादी जो हमारे जम्मू और कश्मीर में हमारे आदमियों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, कल वहां भी जाएंगे बीजेपी के अश्वनी शाही जी और उनसे जाकर के कहेंगे साहब आप आ गए, लो आप माला और आपको 45 लाख रुपए भी मिलेंगे। जब आप बहुत शहीद बोल रहे हैं कि आप तो हमको मारने आ रहा है, उनसे पूछ लीजिए, आतंकवादी है। ठीक है, आप सुन लीजिए, पूछिए सिंह साहब जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पवन जी ने किए हैं कि आपसे पूछे जाने चाहिए। आप ये बताइए कि सिस्टम में आखिर कहाँ फेलियर हो जाता है कि इतना समय, हर मामले में हम देखते हैं कोई भी बड़ा मुद्दा होता है बहुत समय लग जाता है, इस मामले में 302 की बात लगातार हो रही है, सीधे सीधे हत्या का केस लेकिन गिरफ्तारी नहीं, क्या इसकी प्रक्रिया क्या है, आप जरा समझाइए। आप बात को बारीक बीनी से समझने की कोशिश करें। जो इन्होंने कहा है पवन जी से, मैं बहुत हद तक उनके साथ सहमत हूं, बहुत हद तक। कानून में हर जगह पे इम्पेकेबल बात नहीं होती कि बिल्कुल नहीं, उसमें है, अरेस्ट जरूरत हो तो करोगे, लेकिन 302 के मुकदमे में इनवेरिएबली 99% केसेस में अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके जैसे उन्होंने बताया उसकी पूरी छानबीन की जाती है। यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कल कही कि भाई आप आम तौर पे मर्डर के केस में क्या करते हो पुलिस वालों, यूपी पुलिस वालों, अगर मर्डर केस होता है क्या आप उस सर से उसे बरन, आज भी बोला है कि अगर आम नागरिक होता तो आपका रवैया क्या होता, आज भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ अगर पुलिस इम्पार्शियल तौर पर काम करती है, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है तो आम नागरिक के साथ या स्पेशल नागरिक के साथ कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन आम नागरिक को तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि पुलिस जो है सिस्टम ऐसा गलत है कि पुलिस का जो भी है कारोबार ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करे। कई रिफॉर्म्स के लिए आर्डर हुए, प्रकाश कमीशन ने कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर हम अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ेंगे, पोलिटिकल पार्टीज ने बोला, पुलिस का बोर्ड बनाना था वो नहीं बनाएंगे, पुलिस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, कई साल हो गए उसके ऊपर मिट्टी चढ़ रही है। जो पब्लिक के अपने नुमाइंदे हैं आपके पुलिस किशन के, उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया, आपने नहीं किया, तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी पुलिस के ऊपर अपनी गिरफ्त कायम रखना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को इम्पार्शियल होकर काम करना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कई ऐसे आदमी हैं, मैं अपनी बात छोड़िए, जो जिन्होंने 50-50 ट्रांसफर एक साल के अंदर मुकरर की है, 2 तो 15-15 दिन में, क्यों उन्होंने कहा हम तो आपके दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन कई एक ऐसे हैं जो दबाव में आ जाते हैं, तो ये सिस्टमेटिक फेलियर की बात है।
अगर इसकी बात करें, इस केस करिए, तो मैं ये समझता हूँ इस केस के अंदर अब तक गिरफ्तारी नहीं भी होती तो उसको ले तो आते भाई पुलिस स्टेशन में, फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं होती। एविडेंस 3 दिन से एविडेंस के ऊपर तरह तरह हो रहा है। अब नीचे उसके ट्रेडमार्क हैं जो उसके खत्म हो गए, किस एंगल से आई कि वो सारी चीज एविडेंस जब जाएगा कोर्ट में केस तो वीक हो जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कई वीकनेस आ जाएंगी तो कोर्ट में जाके छूट जाएगा। तो यानी मतलब आप मानते हैं कि अमूमन केसों में ऐसा होता है? मैं कहता हूँ होता है, कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता। 99% केसेस में नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, लेकिन इस किस्म का जब उसमें दबाव आ जाता है इस केसेस में होता है, जरूर दबाव के अंदर किया जाता है। अब इसमें कितना दबाव पड़ा है या किस लिहाज से किया, इसमें डीजी साहब ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, अरे भैया लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों होगा? एक अगर मुजरम को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपका मतलब यही है कि वहां पे उनकी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगी। तो उन्होंने कहा, एक डीजीपी साहब ने कहा टीवी का, मैं भी काजोल जी मुझे दूसरे जगह जाना है थोड़ा। ठीक है ठीक है, मेरी अर्जी यह है कि इसमें बस 10 सेकंड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको कयास में रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ, कल तक हत्तुल विसा गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन उस दौरान के अंदर कितने हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, कानून में क्या उसमें कमियां हैं वो सामने आएंगी, और साथ साथ क्या होगा, एविडेंस खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन वीक हो जाएगी, टूट जाएगा। तो ये बिल्कुल मैं पवन जी के साथ सहमत हूँ कि इसमें ठीक है। सिंह जी आपके पास आऊंगे, अश्विनी जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए काजोल जी, अभी हमारे किसान नेता कह रहे हैं किस तरीके से 8 दिन में जांच करो नहीं तो हम ये कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। इनके नेता ने जब उस दिन ये रात में चले हैं तो उस दिन कहा हमारे लोग भी ईटा पत्थर चलाना जानते हैं। तो ये लोग किस कि जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को शांतिप्रिय कहते हैं, बक्कल उखाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये सब इनकी भाषा रही है। रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में जो मैं बोल रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सर आंखों पर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन पूरी कर्तव्यनिष्ठा से अपना काम कर रहा है। रही बात सबूतों की, कोई भी आज आके आपके चैनल पर ये कह रहा है कि इनको 302 के ये मुलजिम है, आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लीजिए, मैं दावा करता हूं किसी से भी, सब लोगों ने जो जिन्होंने कहा कि मेरे पास साक्ष्य हैं और मैं ये दे दूंगा, सबके पास कोई ना कोई वीडियो रहा होगा या जो भी रहा हो, मैं नहीं जानता। कोई पहले दिन हुआ कि थार जो चला रहा था वो आशीष मिश्रा था, जब ये पता चला कि उसके जो ड्राइवर को पीट कर उसकी हत्या कर दी आक्रांताओं आतंकवादियों ने, तो उसके बाद वो कहा जो बगल में बैठा था वहां पर वो पिस्टल निकाल कर फायर कर रहा था, तो सरकार उसके बाद वो तीसरा मिल गया, वो सरकार आतंकवादियों पर गोली क्यों नहीं चला रहा है, ऐसा मिल गया वो चला गया एफआईआर लिखाने इन लोगों के खिलाफ, तो आशीष वहां नहीं था, उसके बाद का कोई फुटेज कोई नहीं दिखा पाया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो लोगों ने लाठियों से मारा है वो आतंकवादी है, आक्रांता है, वो हमारे किसान नहीं हो सकते, हमारे किसान इतने जो है निर्मम नहीं हो सकते। आपने फौरी तौर पर वहाँ पर कोई सहायता दी? प्लानिंग के साथ ही किसने हक दिया? अचानक किसने हक दिया कि खून के बदले खून? किसने हक दिया? कौन से संविधान में लिखा है? आप संविधान की सब लोग दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं सब लोग, किसने हक दिया उनको खून के बदले खून का? पकड़ सकते थे, वो कह रहा है, कह रहा है कि हमको मत मारो, उसको तो बचा सकते थे ड्राइवर को, क्यों मारा गया? खून किया है काजोल जी, मुझे कहीं दूसरे जगह जाना है, धन्यवाद। आप मानते हैं? अरे भगो भाई यही बैठो ना, भगोड़ा क्यों मानते हो? चलिए ठीक है अश्विनी जी, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पवन खटाना जी, बहुत देर से आप बहुत बातें करना चाह रहे हैं, बहुत अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अब बोलिए कि आप क्या चाहते हैं आगे? आप लगातार तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, आखिर आप ये बताइए कि उस समय जब ये घटना हुई, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ से भाग गए काजोल जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ से भाग गए, अब आप मुझसे पूछ रही हो, बीजेपी से पूछिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मैदान छोड़कर भाग गए हैं,
मैंने आपसे ये कहा कि बीजेपी के नेता को आपने सुना है पूरी तरीके से, बीजेपी के नेता आप लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये, बीजेपी के नेता वो, बीजेपी सरकार ये। आप मुझे ये बताइए कि इस प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें भिंडरावाला की तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, मैं मानती हूँ किसान आंदोलन, पहले मेरी बात सुनिएगा फिर बोलिएगा, किसान आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, इक्का दुक्का हिंसा घटनाएं हुई है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? आप पूरी तरीके से इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं, आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि ऐसे अराजक तत्व आ जाते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाता है या बदनाम करने की कोशिश हो जाती है? क्यों ऐसा होता है काजोल जी? जो भिंडरावाला की जो वो उन्होंने पहन रखी है टी शर्ट, वो जो वीडियो आपके पास है वो पुलिस वाले के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है ना, आपने देखी है वो? वो फोटो बिल्कुल जो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है उसके साथ चल रहा है ना बिल्कुल। वो अरेस्ट किया पुलिस ने, अगर पुलिस ने ये मान लिया कि भिंडरे वाले खालिस्तानी के अंदर आ चुके हैं, अरे पहले सुन तो लो आप, बीच में आप बीच में बोलते हो, अभी से बोलना पड़ता है, आप लाइन आप शब्द ऐसे बोल देते हैं, मुझे बोलना पड़ता है बीच में, लेने दो, चलिए ठीक है बोलिए, आपने क्वेश्चन किया है तो मुझ पे आंसर ले लो। नहीं, बीच में कुछ ऐसा आ जाता है तो बोलना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से नहीं पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में भिंडरे वाला बढ़ गया, इस आंदोलन में खालिस्तानी आ गए, इस आंदोलन में पाकिस्तानी आ गए, ये आतंकी हैं, ये किसान है ही नहीं, ये ठलुए हैं। तो हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि आज तक एक भी आतंकवादी क्या गिरफ्तार नहीं किया गया देश की सरकार के द्वारा? क्या एक भी भिंडरे वाला जो है वो एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ कहीं भी? जिस समय पर यह घटना होती है उस समय पर पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस के साथ वो भिंडरे वाले की एक टी शर्ट डाले हुए एक लड़का दिखता है, उसी को बार बार मीडिया बार बार उसी को दिखाती है, तो क्या पुलिस को नहीं दिखी वो? हमारा कहना ये है कि कहां प्रशासन में चूक है, कहां LIU में चूक है, कहां पर जब ये पता था कि आज उप मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, देश के गृह राज्य मंत्री का प्रोग्राम है, देश का किसान आंदोलन कर रहा है और देश के गृह राज्य मंत्री के बयान के कारण कर रहा है, वो इस बात पे लेकर के भावुक हैं कि देश के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा है कि मुझसे मत भिड़ जाना अन्यथा मैं सुधार दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, मात्र 2 मिनट, मैं वही हूँ जो पहले सांसद और विधायक होने से पहले था, कानून पर भरोसा। उन्होंने विरोध किया, विरोध के बाद में वो लोग वहां पहुंचते हैं, कहां रहा प्रशासन, कहां रही योगी सरकार? एक योगी सरकार मोटरसाइकिल पर जाने वाले उनको प्रेमियों को जुगनू बोलते हैं, उन पर लठ मारते हैं, यहाँ पर कोई जांच नहीं है, वो कहते हैं हम ठोक देंगे, हम तोड़ देंगे, हम मार देंगे, हमने यहाँ से बदमाश भगा दिए, कहाँ गए वो? अगर हमारे आंदोलन में हमारे बीच में कुछ आतंकवादी आ गए तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं और हमारे बीच में आतंकवादी घुस गए तो क्या उसमें LIU इंटेलिजेंस की नहीं है क्या? IPS महोदय जी हमारे पास बैठे हैं, इनसे पूछो, अगर एक आंदोलन करना होता है तो उससे पहले पूरी LIU इंटेलिजेंस उस पर पूरी तरीके से ध्यान रखती है कि ऐसा मारी तत्व अगर यहाँ पर कोई घुसे हैं तो सबसे पहले उनकी नजर रखी जाती है। कहाँ था, कहाँ है शासन, कहाँ प्रशासन, कहाँ तंत्र है इनका? कहते योगी सरकार बहुत बड़ी कानून की वजह। ठीक है पवन जी, ये जो आपने सवाल किए हैं इनका जवाब यहाँ पर सिंह साहब जी बैठे हैं वो देंगे। सिंह जी, बहुत सारे सवाल यहाँ किसान नेता के, आप बताइए कि आखिर कहाँ है सुरक्षा इनकी और क्यों ऐसा होता है? जैसा कि इन्होंने अभी जिक्र किया कि वो जो टी शर्ट पहने भिंडरावाला की वो जो शख्स नजर आ रहा था उसके सामने पुलिसकर्मी थे, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बहुत बड़ा सवाल है ये। जो सवाल है उसको तो आप बाद में लाइए, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उसी की तो बात कर रहे हैं ये पवन जी, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, क्या वजह है? यही तो बात सुबह से शाम से बात हो रही है मीडिया के अंदर आप में, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके लिए हमने भी बताया आपको कि पुलिस के अंदर प्रेशर हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने ये भी बताया कि पुलिस की डिस्क्रिशन होती है, लेकिन 302 के केस में 99% केसेस में जिसका FIR की उसका नाम होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यही बात हम कह रहे हैं, यही बात आप कह रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उसी चीज को पवन जी कह रहे हैं, उसी को मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये बात फर्स्ट। सेकंड बात है कि जो उन्होंने जिक्र किया कि उस एक मिनट मेरे को बात को खत्म करें, जो उन्होंने जिक्र किया कि वो मारे गए,
मैं कहता हूं कि रिएक्शन महात्मा गांधी ने इतनी हिंसा पूरे शांति से सब आंदोलन किए, लेकिन वहां भी रिएक्शन हो जाता था। वहां वो सारे के ऊपर हजारों मिलियंस ऑफ लोग थे, कलकत्ता में इतने राइट्स हो गए, महात्मा जी ने जाके वहां फास्ट कर दिया तो राइट्स तो हो जाते हैं। अब जो सेंटीमेंट्स हैं, अगर आप किसी आदमी को नीचे, उनके आदमियों को नीचे कुचल रहे हैं, तो एक आध आदमी का सेंटीमेंट्स अगर उसके अंदर भड़क उठा और उसने कुछ एक्शन लिया, जैसे कि आप कहते हैं मारा, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आंदोलन ही सारा जो है, ये आंदोलन ही सारा सरगर्म आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है, ये बात नहीं होती। आप देखिए आपके सामने कितनी एजिटेशन होती है, कितनी एजिटेशन में मॉब वायलेंस बीच में आ जाता है। लेकिन सिंह साहब जी, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, बस आप ये बताइए कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है कि अब तक गिरफ्तारी आरोपी की नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर, बस एक छोटा सा शब्द और छोटे से सेंटेंस में कंप्लीट कीजिए। सिंह साहब जी, मानते हैं सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं है जी? सिस्टम का फेलियर है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक फेलियर तो मैं कह ही रहा हूँ। कमीशन रिपोर्टें गई हैं, सब कुछ जो है सिस्टमेटिक फेलियर तो है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर वो भी आ रहे थे, माउंट डाउन करने के लिए भी आ रहे थे, वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पे किसानों के ऊपर कुछ आदमी गाड़ियां आ रही है, तो सिस्टमेटिक फेलियर तो है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी पर सियासत लगातार बरकरार है, बीजेपी लगातार ये कहती भी नजर आ रही है कि इंतजार करना होगा, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, इंतजार विपक्ष नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतने दिन हो गए हैं, जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, 302 की धारा जिन पर लगी है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? आज उन्हें उनकी पेशी होनी थी, लेकिन वो पेशी में शामिल नहीं हुए। अब उनके पिताश्री यानी कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, पेशी नहीं दे पाए। अब वो कल 11 बजे अपनी पेशी देंगे, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर वो कल भी नहीं आते तो फिर अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में, किसान परिवारों को या बीजेपी कार्यकर्ता के जो परिवार हैं उनको क्या कुछ इंसाफ मिलेगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।